अस्सलाम वालेकुम फैमिली। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त भी सस्ते सोलर पैनल्स बिल्कुल मौजूद है और मार्केट में मौजूद है, और आज उनके जो ताजा तरीन रेट है वो इस वक्त मेरे सामने स्क्रीन पे मौजूद है। मार्केट क्लोज हो रही है लेकिन जो सूरत हाल है वो खासी खुश आइंद है। देखें, जो चीजें ब्लैक में आजकल मार्केट में बिक रही है, सिंपली तौर पर शहरियों ने क्या करना है, उनको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए भाई साइड पे उठा के रख देना है, उनको चलने दे उनकी राह पे वो जहां जा रही है। लेकिन जो सोलर पैनल्स इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, जो कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हैं और किसी भी तौर पे जिनको लॉन्जी और कैनेडियन से कम नहीं है, वो परचेज आप कर सकते हैं। और इस वक्त जो मार्केट में सूरत हाल बनी है कि जो दीगर कंपनियों के सोलर पैनल्स हैं जो कि बहुत अच्छी कंसिडर होती है, अब आप सिंपली तौर पर एक चीज देख लें, ट्रीना सोलर पैनल, ये अपनी स्क्रीन पे देख ले, दुनिया की टॉप थ्री कंपनियों में ये जनाब आती है चाइना की, और ये जबरदस्त किस्म की कंपनी है। दोस्तों, इसके सोलर पैनल इस वक्त सस्ते हुए हैं, आप अंदाजा लगा लें क्या सूरत हाल है कि इनके रेट अभी भी कम हैं। सिंपली तौर पे क्या हो रहा है, पाकिस्तानी अवाम भेड़ चाल की जानिब चल रही है। पाकिस्तानी अवाम क्या देख रही है, जिनको एन टाइप जी, जिनको एन टाइप, कैनेडियन टॉप कौन, कैनेडियन टॉप कौन एन टाइप। सिंपली तौर पे एक वे फॉरवर्ड बना दिया गया कि भाई यही अच्छा, इनसे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, जबकि ऐसी सूरत हाल कतई तौर पे मार्केट में जनाबे वाला नहीं है। मैं आपको रेट बताता हूं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। इस वक्त अगर हम बात कर लें, ट्रीना सोलर पैनल 550 वॉट सिंगल ग्लास ए ग्रेड टेक्नोलॉजी जो अब पाकिस्तान में है, इसकी प्री बुकिंग आपको पता कितने रुपए में मिल रही है। सोलर पैनल आज से तकरीबन 15 दिन पहले किस रेट पे थे, 37 रुपए 38 रुपए पर वॉट थे ना पाकिस्तान में, अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी भी इसी रेट पे चल रही थी ना। तो जनाब, ये ट्रीना सोलर पैनल की प्री बुकिंग इस वक्त मार्केट में तमाम शहरों में आपको 38 रुपए पर वॉट की प्री बुकिंग इसकी मिल रही है, और ये जबरदस्त कंपनी है। आप इससे अंदाजा लगा लें, अगर तो जिनको का 22.75 एफिशिएंसी है तो इस कंपनी की कितनी आपको पता है, इस कंपनी की 22.70 एफिशिएंसी है, 5 पॉइंट का भी फर्क नहीं है। यानी कि एक दिन में क्या सूरत हाल होगी, एक यूनिट या दो यूनिट या तीन यूनिट कम बनाएगा बस, इससे ज्यादा कोई सूरत हाल नहीं होगी। और अगर आपने अपनी अर्थिंग सही करवाई हुई है, अच्छा इन्वर्टर लगाया हुआ है, अच्छी वायरिंग करवाई हुई है, माहिर टेक्नीशियन से काम कराया हुआ, तो ये फर्क भी खत्म हो जाएगा। तो ये वो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूं जो बड़ी ही जबरदस्त चीजें हैं। अगर आप इन पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो क्या होगा, पाकिस्तानी मार्केट एक तो स्टेबल हो जाएगी बहुत जल्दी, और यह होनी है। नया माल जितनी बड़ी तादाद में इस वक्त मार्केट में आ रहा है और धड़ाधड़ आ रहा है, और खासतौर पर जिनको एन टाइप और लॉन्जी का तो बहुत ही ज्यादा माल आ रहा है पाकिस्तान में। अब देखना यह है कि ये चोर बाजारियां माल को छुपाना और बड़ी कंपनियों को ब्लैक करना इस तरह से कब तक ये जारी रहता है, ये एक लम्हे फिक्री है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम दूसरी जानी बात कर लें, मेसन, MAYSON मेसन टीयर वन की कंपनी है जनाबे वाला, 545 वॉट ए ग्रेड के सोलर पैनल इसके भी मार्केट में मौजूद है, और कितने रुपए रेट है पता है, 36 रुपए 37 रुपए पर वॉट। ओ भाई, कहां जा रहे हैं आप लोग, इस कदर सस्ती चीजें टेक्नोलॉजी मार्केट में मौजूद है और जिनकी एफिशिएंसी में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ क्या है, ज़हनी तौर पे हम मफलूज थोड़े से हुए हुए हैं, हम सोच नहीं पा रहे, हम देख नहीं पा रहे चीजों को जिस तरह से देखना चाहिए हमें। आज से 2 साल पहले तक जब सोलर कंपनियां बहुत ज्यादा पाकिस्तान में नहीं थी, तो यकीन करें हर तरह की सोलर कंपनी आती, जिन लोगों ने पुराने आस्ट्रो एनर्जी और राइजन के सोलर पैनल लगाए हुए हैं ना, आप आज जाके उनके सिस्टम देख लें, बेहतरीन वर्क कर रहे हैं और उनका जीरो बिल आ रहा है, और उनको लगाए हुए 3-3, 4-4 साल हो चुके हैं। तो उन्होंने कौन से सोलर पैनल लगाए हुए, जहां उन्होंने जिनको भी नहीं लगाया हुआ और उन्होंने लॉन्जी भी नहीं लगाया हुआ। और कमाल की बात आपको बताऊं, सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर कौन से हैं, जिन्होंने हाइमो 5 और जिनको पी टाइप की पुरानी टेक्नोलॉजियां लगाई हुई है, जिनकी एफिशियंसी कम है। और जनाब, एफिशियंसी कम होने का मकसद ये होता है, बहुत बहुत मामूली सी परसेंटेज एक होती है जिसके तहत एफिशिएंसी में फर्क आता है, और महीने के मुश्किल से 30 यूनिट 40 यूनिट का फर्क पड़ता है, इससे ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता कि हम सोच रहे होते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन हम महंगी भारी भरकम सोलर पैनल खरीद के जो है वो लगाने पे बजिद हैं इस वक्त कि जी गर्मी है हम तो यही लगाएंगे और जी पता नहीं क्या हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े और एक और कंपनी की बात कर लें, वो है दोस्तों आस्ट्रो एनर्जी एन टाइप बायोफिशियल 575 वॉट। ये जबरदस्त किस्म की कमाल कंपनी, और इसका रेट सुनेंगे आप, 40 से 41 रुपए पर वॉट में इसका रेट मिल रहा है। अगर आप इसकी प्री बुकिंग या ज्यादा परचेज करने जा रहे हैं तो इसका रेट 39 रुपए पर वॉट भी इस वक्त मार्केट में मौजूद है, जो कि कोई ज्यादा रेट नहीं है। रेट तो थे ही 35, 36, 37, 38 रुपए, यही रेट चल रहे थे और यही रहने थे। आप मेरी प्रीवियस वीडियोज उठा के जाके देख लें, मैंने एक चीज आपको क्लियर कट कही थी 5-6 वीडियो में, मैंने कहा दोस्तों पाकिस्तान की सोलर मार्केट में जो सूरत हाल है, सोलर पैनल्स के रेट
36-35 रुपए पर वॉट हो सकते हैं, इससे कम होना नामुमकिन है। मैंने ये प्रेडिक्शन 3 महीने पहले दी थी जब सोलर पैनल 58 रुपए पर वॉट चल रहे थे, मैं आज भी इस पे कायम हूं और आपको बता रहा हूं। हाँ, 2025 तक जिस तरह की सूरत हाल है, 2024 के एंड तक जिस तरह से हाइमो 9 हाइमो 8 ने मार्केट में एंट्री लेनी और एक्सेस माल चाइना जितना बना रहा है इस वक्त और जितना सस्ता दे रहा है दुनिया को, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों को खास तौर पे, क्योंकि उन्होंने इंडिया में वो सप्लाई नहीं कर सकता, अमेरिका यूरोप में सप्लाई नहीं कर सकता, वो नहीं कर पा रहा, तो वो यहाँ पे सस्ता तरीन माल दे रहा है, बिना टैक्सेस के दे रहा है और चांदी लगी हुई है बेचने वालों की, जो सस्ता तरीन मंगवा के क्या कर रहे हैं, 12,000 रुपए का पैनल मंगवा के 26-27,000 का बेच रहे हैं, कमाल नहीं कर रहे वो, डबल से भी ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, है ना। फिर देखिए कमाल की बात, तो ये नसीब है जी उनके। अब पता नहीं ये हलाल होगा हराम होगा क्या होगा, ये एक अलग बहस है पूरी। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों आपसे, जो सस्ती तरीन कंपनी पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल है वो है राइजन, 555 वॉट 565 वॉट ए ग्रेड का माल। इसकी अगर बात कर लें तो ये इस वक्त मौजूद है, लम्हा मौजूद में 38 रुपए और 37.5 रुपए पर वॉट में मार्केट में अवेलेबल है। टीयर वन की कंपनी है, यानी कि टीयर वन वो कि जो कंपनियां आईएसओ सर्टिफाइड हैं और जो के 13 साल की वारंटी देती हैं और क्लेम करती हैं और 25 साल तक उनका पैनल ने चलना ही चलना, तो ये सूरत हाल है इस कंपनी की भी। इसके बाद अगर एक और कंपनी की बात कर लें, रीना सोलर, इसमें जो एन टाइप है बाइफिशियल 575 वॉट 565 वॉट के, तो ये भी जनाब 41 रुपए पर वॉट मार्केट में इस वक्त मौजूद है, ये भी एक अच्छी और जबरदस्त कंपनी कंसीडर होती है। तो ये वो कंपनियां हैं इस वक्त मार्केट में जो बड़े मुनासिब और अच्छे रेट्स में अवेलेबल हैं और ये कस्टमर्स के लिए बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, वैल्यू फॉर मनी है ये। अगर आप इन कंपनियों पे पैसा लगाते हैं इन पैनल्स पे, तो ये आपको वैल्यू फॉर मनी देंगे। लेकिन दूसरी जानिब हम आ जाएं हाइमो 6 की जानिब, हाइमो 7 की जानिब, हाइमो 7 का कोई रेट नहीं है, कोई 43 बेच रहा है, कोई 44 बेच रहा है, कोई 45 बेच रहा है, कोई रेट नहीं है, ब्लैक मार्केट बनाई हुई है बिल्कुल पाकिस्तान में, कोई सूरत हाल नहीं है जी। इसी तरह जिनको एन टाइप पे आ जाए, कोई 45 बेच रहा है, कोई 46 बेच रहा है, कोई 47, कोई 44 भी बेच रहा है जिनको एन टाइप को। और बाइफिशियल का रेट सिंगल ग्लास से सस्ता है ना। फिर कमाल की बात, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जिनको के दो नंबर पैनल बहुत ज्यादा मार्केट में आए हुए हैं, फिर क्या सूरत हाल है जनाब, कैनेडियन में सेम यही सूरत हाल है, 46 रुपए पर वॉट तक रेट जा रहा है टॉप कॉन का। लेकिन कैनेडियन में सिंपल प्लेट्स पे आ जाए तो वो 39 रुपए पर वॉट में अभी भी मौजूद है, 540 545 555 वॉट वाली सोलर प्लेट्स। तो ये वो सोलर प्लेटें हैं मार्केट में जो मैंने आपको बताई हैं, जो वैल्यू फॉर मनी है इस वक्त। लोग अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें बायकॉट, अगर नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा दूसरी जानिब चले जाएं, एक की एफिशिएंसी 12.70 अगर है तो दूसरी की 22.75 होगी, पॉइंट्स का भी चंद का भी फर्क नहीं आ रहा उसमें। तो ये आज की सूरत हाल, ताजा तरीन रेट आज के 4 जून आज है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको सहयोगी, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाए। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।